हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगो। ट्रिगो का वो पार्ट पढ़ना है जैसे हमें जो वैल्यू निकालनी होती थी, जैसे साइन 120 आ जाता था, कॉस 240 आ जाता था, इस तरह की वैल्यू जो मतलब 90 से ज़्यादा होती थी, जो 90 से कम वैल्यू होती थी, 0 से 90 तक की, इसके लिए हमने टेबल बना रखी है। ठीक है, टेबल हमें लर्न करना पड़ेगा। तो 0 से 90 तक की वैल्यू तो हम टेबल से निकाल लेते थे, लेकिन अगर कोई वैल्यू 90 से ज़्यादा आ गई, एंगल में 90 से ज़्यादा है, तब हम उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन से रूल फॉलो होते हैं, वो मैं आज तुम्हें समझाऊंगा। ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो ध्यान से अगर सीखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत निकाल लोगे, बिना कुछ लिखे तुम तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, 0 से 90 तक के लिए जो टेबल हमने क्लास 10th में पढ़ रखी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो हमें लर्न होना चाहिए। अगर वो लर्न नहीं होगा तो काम हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, उसको लर्न करने का भी ट्रिक है, वो तुम्हें सिखाया गया होगा। अगर नहीं सिखाया गया हो तो दूसरे वीडियो से देख लेना। अभी यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 से 90 तक का टेबल तुम्हें लर्न है, उसके बाद 90 से अबव वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, पूरे प्लेन को मतलब 0 से लेकर के 360 डिग्री के एंगल को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो 0 से लेकर के 90 तक का एंगल, ये देखो ये 0 डिग्री होगा, 0 से कहां तक, 90 तक का, तो ये किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 90 से 180 तक का किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर 180 से लेकर के यहाँ क्या आएगा, 270 तक, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 से फिर वापस यहाँ पहुँचेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये चार क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि जो वैल्यू दिया है, एंगल दिया है, वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। जैसे तुम्हें दे दिया साइन 120 की वैल्यू निकालो, तो 120 मीन्स 90 से ज़्यादा बट लेस देन 180, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले तुम्हें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट देख के क्या डिसाइड होगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये कैसे याद रखेंगे, ये लाइन याद रखना, एड सुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 तक के एंगल के लिए। तो तुमने टेबल में देखा होगा ध्यान से, 0 से 90 तक की वैल्यू जितनी भी उसमें लिखी होगी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी नेगेटिव वैल्यू तुम्हें नहीं दिखी होगी। तो ये 0 से 90 तक के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑल पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद एस फॉर सुगर, फॉर एस पहला लेटर है तो यहां पे साइन, तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का अपोजिट उल्टा कर दोगे तो अभी तो पॉजिटिव होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, टी फॉर टैन, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में अगर कोई वैल्यू आएगी, तो अगर वो टैन होगा तो पॉजिटिव होगा। तो टैन अगर पॉजिटिव होगा तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये भी पॉजिटिव होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसके अलावा अगर कुछ पड़ेगा तो नेगेटिव होगा। जैसे यहां पे देखो 270 और 360 के बीच में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस हमारा 270 और 360 के बीच में, तो यहाँ पे कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये दो चीजें प्लस होंगी। एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे अगर तुम्हें, बस मैं प्लस माइनस डिसाइड करना भी सिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे अगर कोई पूछे कि तुमसे साइन 120 की वैल्यू ये बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो सबसे पहले ये एंगल देखना 120, तो 120 एंगल 90 से ज़्यादा है इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, सेकेंड में साइन क्या था, पॉजिटिव, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तुमसे कोई पूछ लिया टेन 240 बता दो जरा, तो सबसे पहले देखोगे 240 कहाँ पड़ेगा, 180 से ज़्यादा, यहाँ पे टेन क्या है, पॉजिटिव, तो तुम सीधे बस बता सकते हो कि ये प्लस होगा। तो प्लस माइनस डिसाइड करना, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ लिया सेक 150 की वैल्यू बताओ,
तो 150 पहले को देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि साइन और cosec प्लस होता है, तो ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये डिसाइड होगा कि जो वैल्यू तुमसे पूछ रहा है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो प्लस या माइनस डिसाइड करना अब तुम समझ चुके हो, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से यहां तक रिपीट करो, फिर उसके बाद देखना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का अपोजिट sec, ये पॉजिटिव होगा। तो ये एड सुगर टू कॉफी से तुमको ये चीजें याद रहेंगी। इसके बाद देखो, जब ये वैल्यू हमें ये पता चल गया कि प्लस होगा या माइनस होगा, इसके बाद हमारे पास फिर से दो ऑप्शन बचते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो 0 से 90 तक के लिए है, तो हमें किसी न किसी तरह से इसको 0 से 90 के बीच में लाना है, क्योंकि हम वहीं से वैल्यू देख करके रखेंगे। जैसे सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था तुम्हें, साइन 120, अब देखो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम साइन 120 को मैं लिख रहा हूं 180 माइनस 60, लिख सकते हैं ना 120 को, देखो 120 था, 120 को 180 माइनस 60। तो यहां पे ये जो वैल्यू आई है ये किसी ना किसी एक एक्सिस को रेफर करना चाहिए। ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफर कर रहा है, ये वर्टिकल को भी रेफर कर सकता है। कैसे, अगर मैं इसी को इधर देखना, इसी साइन 180 माइनस 20 को मैं लिखूं साइन 90 प्लस 30, देखना इधर यह भी 120 है और यह भी 120 ही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको 100 प्लस 20 मत लिखना, 100 प्लस 20 नहीं लिखना है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि 100 जो है किसी एक्सिस को रेफर नहीं कर रहा है, तो एक्सिस होना जरूरी है। तो एक्सिस कब कब आएगा, 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे, तो ये होना जरूरी है। इतनी चीज क्लियर हो गई, तो एक्सिस पे ब्रेक करना है हमें, तो समझ में आ गया। तो इसीलिए हम अभी एक बता रहा हूं तुम्हें, अभी दूसरा तरीका इसका बताऊंगा। तो हम क्या लेंगे, 120 को हमने ब्रेक किया 180 माइनस 60, तो जब हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब 180 या फिर 0 या फिर 360 अगर हम चूज करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब 0, 180 या फिर 360, इनमें से कोई चूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है। कोई चेंज नहीं होता है का क्या मतलब है, कि साइन था तो साइन ही रहेगा। दो चीजें बता चुका हूं, पहला चीज कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू प्लस आएगी, ये तो क्लियर हो गया। सेकंड चीज यहां पे देखोगे एक्सिस कौन सा चूज किया हमने, 180, 180 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब नो चेंज एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब नो चेंज एक्सिस, नो चेंज एक्सिस, बहुत ध्यान से समझना, नो चेंज एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखो यहां पे ध्यान से लिखा हुआ है नो चेंज एट 0, 180 एंड 360, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। अब इसका काम खत्म हो गया, ये सिर्फ ये डिसाइड करता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल है तो नो चेंज, साइन का साइन, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, ठीक है। और अगर ये 180 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं हुआ, वर्टिकल हुआ, तो चेंज होगा। वो कैसे होगा वो बताऊंगा मैं, पहले इतना देखो। तो ये हो गया हमारे पास साइन हो गया, अब इसका काम खत्म, बचा क्या, 60। साइन 60 की वैल्यू सबको पता है कितना, रूट 3/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 3/2। इतनी चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक और बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा तुम्हें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब मैं ले लेता हूं tan 315, अगर मैंने ऐसा ले लिया, अब 315 को हम क्या लिखेंगे, क्या होगा हमारे लिए आसान, हम इसको लिखेंगे tan 360 माइनस
45 आ गया ना। अब देखो तुम्हें बताया था 315, 270 से ज्यादा है और 360 मतलब 270 से अबव और 360 से बिलो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? सेक और कॉस, ठीक है। तो सेक और कॉस में से तो है नहीं, ये है क्या, टेन है, तो सीधा सीधा हमें साइन पता चल गया माइनस, ठीक है। 360 एक्सिस कौन सा चूज किया हमने? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब नो चेंज एक्सिस, नो चेंज एक्सिस मतलब टेन का टेन, ठीक है। इसका काम खत्म, बचा क्या 45, टेन 45 की वैल्यू 1, तो ये टेन 315 की वैल्यू आएगी माइनस 1। और कराता हूँ दो चार क्वेश्चन तब तुम्हें क्लियर होगा, और थोड़ा सा चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारे पास साइन नहीं, सेक ले लेते हैं। सेक कितना ले लो वैल्यू, तो 210 ले लेते हैं, 210, तो 210 180 से अबव है, 180 से अबव है यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सेक हमारे क्या होता है, देखो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो सेक हमारा क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस लगाया। अब देखो माइनस तो अभी तब लगाओगे, इसके बाद पहले तो इसको ब्रेक करो, तुम ब्रेक करोगे 210 को 180 प्लस 30 लिखना, ठीक है। तो पहली बार सेक नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 210 क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो सेक नेगेटिव होगा, तो माइनस लगाया। 180 के कारण सेक चेंज नहीं होगा, नो चेंज एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नो चेंज एक्सिस, सेक का सेक लिख दिया, इसका काम खत्म, बचा क्या 30। सेक 30 मतलब कॉस 30 का अपोजिट, कॉस 30 मतलब साइन 60, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी सेक 210 की। इतनी चीज क्लियर हुई, और कराऊं एक और करते हैं, ठीक है ना। इस बार ले लेते हैं कॉसेक 240 ले लो, कॉसेक 240, तो सबसे पहले कॉसेक को ब्रेक करो, तो ये हो गया कॉसेक 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60, 180 से ज़्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव, 180 पे नो चेंज, तो कॉसेक का कॉसेक हो गया, इसका काम खत्म, बचा क्या 60, कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा यानी 2/√3, कर लोगे। तो ये हो गया तुम्हारा नो चेंज एक्सिस का यूज करके वैल्यू निकालना। अब जरूरी नहीं है कि ना हम इसी से करें, तो अब हम चेंज वाली एक्सिस पे चलते हैं। चेंज वाली एक्सिस कौन सी थी, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे क्या क्या आएगा, 90 या फिर 270, तो इधर देखो चेंज एट 90 एंड 270, तो 90 और 270 पे चेंज होगा, पर क्या चेंज होगा ये तो बताया नहीं, तो मैं ये बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होगा, साइन का चेंज होगा किस में, कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, इसी तरह से कॉस चेंज होगा साइन में, कॉट चेंज होगा टेन में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ध्यान से समझना, सोच रहे होगे क्या चेंज होगा सर, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, पता चलेगा अभी, ठीक है ना। जैसे तुम्हें इसके पहले अभी वैल्यू निकाली थी तुमने साइन 120, तो तुमने इसको क्या ब्रेक किया था, साइन 120 को क्या लिखा था, 180 माइनस 60। इस बार मैं 180 माइनस 60 नहीं लिखूंगा, इस बार मैं लिखूंगा इसको 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 से भी इस किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में ही जाएगा, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो हमने पॉजिटिव लगा दिया, लेकिन ये जो 90 है, 90 ये कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस हमारा चेंज होगा, तो 90 और 270 है यहाँ पे, 90 और 270 पे चेंज होगा, ठीक है। तो 90 पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यहाँ साइन अब नहीं लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, अब 90 का काम खत्म हुआ, कॉस 30, कॉस 30 मतलब साइन 60, तो √3/2, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसी की वैल्यू हमने दूसरे तरीके से निकाला था, तुम्हें बताया था अभी साइन 120 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन और 60 √3/2, तो दोनों से वैल्यू सेम आएगी,
चाहे चेंज एक्सिस का यूज करो चाहे नो चेंज एक्सिस का यूज करो, ठीक है। एक और वैल्यू बताता हूँ तुमको चेंज और नो चेंज वाले से, दोनों से ध्यान से समझना, ठीक है। टेन 225, ठीक है, दो तरीके से बता रहा हूँ, टेन 225 ध्यान से समझना, दोनों एक साथ बता रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 180 प्लस 45, और क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 270 माइनस 45 में कर लूँ तभी तो आएगा, आएगा ठीक है कोई बात नहीं। अब देखना 180 प्लस 45 यानी थर्ड क्वार्टर में, थर्ड में 10 क्या होगा पॉजिटिव, तो 180 पे नो चेंज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसमें आ जाओ 270 से कम है तो थर्ड क्वार्टर, थर्ड में 10 पॉजिटिव, 270 के कारण 10 चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा कॉट में चेंज होगा, तो कितना आया कॉट 45, कॉट 45 की भी वैल्यू कितनी होती है 1। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, इतना आसान है नहीं जितना लग रहा तुम्हें, ठीक है ना। तो जब करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अभी मैं फिर भी कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ तुम्हें, और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कॉस 240 को दो तरीके से निकाल रहा हूँ, कॉस 240, अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस 30, और क्या लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60, तो वन, अब देखो 180 से ज़्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन 180 हमारा नो चेंज एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, तो इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, इसका काम खत्म, बचा क्या 60, कॉस 60 मतलब साइन 30 1/2। यहाँ से देखो कॉस 270 माइनस 30, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होगा नेगेटिव, 270 वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे कॉस चेंज होगा, किस में चेंज होगा साइन में, अब किधर आएगा 30 मतलब 1/2। तो दोनों में से कोई भी तरीका तुम प्रेफर कर सकते हो जो तुम्हें इजी लगे, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा नो चेंज एक्सिस प्रेफर करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें चेंज करने का ये कोई झपड़ झंझट नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अभी तक जो तुमने वैल्यू पढ़ी वो जीरो से लेकर के 360 तक का निकालने के लिए है, लेकिन अगर 360 से ऊपर आ गया तो क्या करोगे, या जीरो से कम आ गया, जीरो से कम का क्या मतलब सर, जीरो से कम मतलब जब नेगेटिव वाला आ जाएगा तब क्या करोगे तुम, और 360 से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या करोगे तुम, तो ये दोनों भी ध्यान से समझना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, दो दो करा रहा हूँ, तो समझ लेना थोड़ा ध्यान से। जैसे पहले नेगेटिव वैल्यू साइन माइनस 30, अगर ऐसा कुछ दे दिया, दो तरीके हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक तो नेगेटिव एंगल, जब पॉजिटिव एंगल चलते थे तो हम ऐसे चलते थे एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव होगा तो नीचे, देखो ये इधर जीरो है ना, तो जीरो से नीचे नेगेटिव होगा और जीरो से ऊपर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल है माइनस 30, तो जीरो से कम माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट क्लियर। तो अगर क्वाड्रेंट क्लियर तो ये बात क्लियर हो गई कि प्लस है या फिर माइनस है। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखेंगे हम, जीरो माइनस 30 ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस का आना जरूरी है, तो ये जीरो एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब नो चेंज एक्सिस, और जीरो माइनस 30 यानी जीरो से कम कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की नेगेटिव, कॉस और सेक प्लस होता है, तो ये माइनस लग गया, और जीरो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नो चेंज एक्सिस, तो साइन के प्लेस पे साइन ही रहेगा। अब 30 की वैल्यू तो माइनस 1/2 हो गया, ये क्लियर हो गया।